अभी क्या सब कुछ ठीक है ना? अरे हेलो भी कंफर्टेबल है? अरे यार अंदर क्या खाना है यार, और स्वीट्स तो लाजवाब। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? कुछ करना जुगाड़। रुक, क्या हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। अरे पर क्या हुआ? देख देख, हट जा। अरे यहाँ पर तो मम्मी डैडी भी है। हाँ, मम्मी डैडी ने देख ली तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ यार, एक आइडिया है। अरे सुनो सुनो, ये मुझे दो, तुम जल्दी रायता लेके आओ। जाओ। क्या रब, प्लेट में लेना, जेब में क्यों भर रहा है? तुम लोग दोनों ना सिर्फ प्लेट में भरो, मैं तो पॉकेट में भरूंगा। आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही खुश रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग यहाँ खड़े होके कब तक धन्यवाद देते रहेंगे? आप भी अंदर जाइए, कुछ खाइए पीजिए। चलिए चलिए, मैं यहाँ देखता हूँ। जाइए चलिए। यार अगर ऐसी पार्टी रोज होती ना तो बहुत मजा आता, पर पता नहीं है बड़े लोग हम लोग को क्यों नहीं बुलाते। जा खुद ही पूछ लेना। बाकी सब खा सकते हैं। लगता है कोई मुसीबत ना आना। इतना चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ हो चुका, समझी? लड़की तो मुसीबत में। अरे क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही है? उधर नीचे साफ साफ बता रहा, क्या हुआ नीचे? थोड़ा मेरे साथ चलो। क्या सोच रहे हो? हमें जल्द से जल्द पार्टी रोकनी होगी, नहीं तो खूनी अखिल के मॉम डैड को भी मार डालेगा। कहानी मत बनाओ डॉक्टर, खून तुमने किया है। तुमने, मैं क्या लगा हा? तुम बच जाओगे? अरे ये तो हमारी तरफ जा रहे हैं, भागो ना यार। उस लड़की की जान खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। और यार हम क्या करेंगे? हम तो बच्चे हैं ना। एक काम कर, सीआईडी को बुलाते हैं। देखो आदमी कहाँ है? ठीक है, मर गया। ये तो मर गया, और बच्चे कह रहे थे कि ये लड़की को मारने वाला था, ये तो खुद मर गया। देखो लड़की कहाँ है, देखो। सर हाँ, इसके मुंह से तो झाग निकला हुआ। ना तो कहीं खून है, ना कहीं बॉडी पे चोट का निशान है। सर लड़की अंदर कहीं भी नहीं है। सर अंदर नहीं है? नहीं सर, कहीं पे भी नहीं है। काम करो, वॉचमैन को बुलाओ जल्दी। सर हाँ, अरे अखिल साहब। अखिल साहब इसी फ्लैट में रहते हैं? साहब ये इन्हीं का फ्लैट है। और कौन रहता है इनके साथ? इनके मम्मी डैडी। मम्मी डैडी वो कहाँ है? साहब वो नीचे लॉन में है साहब। पर नीचे क्या कर रहे हैं साहब? उनकी शादी की सालगिरह है तो वहाँ पार्टी है साहब। यहाँ लड़का मारा पड़ा है, बेचारों को पता भी नहीं। काम करो, अखिल के माता पिता को लेकर आओ। जी साहब। वैसे बच्चों ने किसी लड़की को रोते चिल्लाते हुए देखा था। मगर वो लड़की है तो है कहाँ? सर कहीं बच्चों से गलती तो नहीं हो गई? अभिजीत एक काम करो, उन बच्चों को जरा प्यार से समझा कर लेके आओ। ये लो बेटा। बच्चों, तुम लोगों ने पक्का किसी लड़की को देखा था यहाँ पे रोते हुए? हाँ अंकल, मैंने खुद देखा था। वो लड़की मदद मांग रही थी और रो भी रही थी। मगर अभी अभी तुम लोगों के सामने हमने दरवाजा तोड़ा और अंदर तो कोई लड़की है नहीं। कोई नहीं है? नहीं। बच्चों हो सकता है तुमने किसी और को देखा। नहीं अंकल, वो एक लड़की ही थी। लेकिन अंदर तो सिर्फ एक आदमी है। वो ही होगा जो उसे डरा रहा था। अच्छा बच्चों एक काम करो, तुम लोग हमारे साथ अंदर चलो और उस आदमी को देख के बताओ कि ये वही आदमी है या कोई और है। पर अंकल हमें मारेगा तो नहीं? अरे कैसे मारेगा, हम लोग हैं ना साथ में। मैं तो भूल गया था कि आप हमारे साथ हो। वैसे भी वो कुछ नहीं करेगा, वो सोया हुआ है। सो गया है? सच बात ये है बच्चों, वो मर गया है। तो बच्चों डरने की कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना। तुम लोगों को सिर्फ अंदर चलना है, उस आदमी को देख के बताना ये वही आदमी है या कोई और। अभिजीत लगता है बच्चे डर गए। नहीं हम नहीं डरे, हम देखेंगे। शाबाश। क्या हुआ, डर लग रहा है आप लोगों को? नहीं नहीं डर लग रहा। बहादुर बच्चे आप लोग। अरे घबराओ नहीं बच्चा। आओ आ गया। देखो इस आदमी, ध्यान से देखो, क्या ये वही आदमी है? नहीं अंकल, ये वो आदमी नहीं है। पक्का यकीन है ये वो आदमी नहीं है? हाँ सर, उसने तो सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी, इन्होंने तो जैकेट पहनी हुई है। ठीक है आप लोग जाइए, बाहर जाइए। आइए बच्चों। लड़की गायब है और लड़की को मारने वाला भी गायब है और यहाँ लाश पड़ी है किसी तीसरे ही आदमी की। क्या हुआ, क्या हो गया? पहले तो मेरा बेटा ठीक था, क्या हो गया सर? प्लीज प्लीज सर क्या हो गया सर? देखिए आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी इस घर में? क्या उसी लड़की ने मेरे बेटे को मारा है? अब ये तो पता नहीं है। तो सर क्यों पूछ रहे हैं आप मुझे? देखिए इस घर में उस लड़की को कोई धमका रहा था। हमारे इस घर में कौन लड़की हो सकती है? अब बैठिए, बैठिए प्लीज। हमने फोन करके कहा कि आप बिल्डिंग से किसी को बाहर मत जाने देना। उसके बाद कोई इस बिल्डिंग से बाहर गया था? नहीं साहब, कोई भी नहीं गया। पक्का यकीन है कोई नहीं गया? पक्का यकीन है साहब, कोई नहीं गया। कोई बाहर नहीं गया, इसका मतलब है दोनों, वो लड़की और कोनी, दोनों अभी भी इसी बिल्डिंग में हैं, इसी बिल्डिंग में। सचिन, विवेक, बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढो, देखो कहाँ छुप कर बैठी है वो लड़की और वो कोनी भी। यस सर। हो सकता है वो कोनी पार्टी में लोगों के बीच में छुप के बैठा। आरव, ऋषभ, तुम दोनों यहाँ? तुम लोग तो घर पे थे ना? हाँ मम्मी। यहाँ कैसे? हम इनके साथ आए हैं। और ये कौन है? हम लोग CID से। CID? आपके बच्चों ने हमें बुला लिया है, उन्होंने कुछ देखा है। क्या देखा हमारे बच्चों ने होते हुए? मैं इनका बाप हूँ। खून होते हुए देखा है। खून? खून? क्या खून? कहाँ पे? आप ही की बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग में? हाँ, अखिल का खून हुआ है। क्या? अखिल का खून हो गया? किसने किया अखिल का खून? खूनी आप में से ही कोई है। आप में से कोई। खूनी हम में से ही कोई है? हमारी बिल्डिंग में खूनी कब से रहने लगे? खूनी को बच्चों ने देखा है, समझे? आप सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए जल्दी। आइए प्लीज। चलिए लाइन में खड़े हो जाइए। बच्चों देखो, इन सब लोगों को ध्यान से देखो और बताओ कौन है वो। जाओ। देखो घबराओ मत, हम तुम लोगों के साथ हैं। इनमें से तो कोई भी नहीं है। गौर से देखो। पर हमने उनका चेहरा नहीं देखा। ये लो। और अभी अभी आप बता रहे थे कि बच्चों ने खूनी को देखा है। आरव, बताओ बेटा, क्या देखा था तुमने? याद करके बताओ। हाँ अंकल, उसकी टी शर्ट। टी शर्ट? उसने टी शर्ट पहनी थी? आप सब लोग जिसने टी शर्ट पहनी है, सब बाहर आइए। इस तरफ आइए, आइए आप भी आइए। देखो, अच्छा ध्यान से देखो, बस बताओ कौन सी टी शर्ट देखी थी तुमने? जाओ। क्या हुआ अंकल? कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा है? कोई बात, कोशिश करो, सब याद आ जाएगा। सर एक और चीज याद आ रही है। क्या? उसने एक बैंड पहन रखा था हाथ में। रिस्ट बैंड? सब लोग अपने अपने हाथ आगे करो, आगे करो जल्दी। देखो बेटा, बेटा। नहीं अंकल, ये लोग उनमें से नहीं है। उस आदमी ने एक पीले कलर का बैंड पहना था जिसमें एक स्टार भी था। बेटा आरव, सही से याद आ रहा है कि ऐसे ही CID को परेशान कर रहे हो? नहीं अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ। बच्चे हैं सर, बच्चे हैं। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, समझे? सर मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है। जिस बैंड के बारे में ये बता रहा है, वो इस बिल्डिंग में सिर्फ एक ही आदमी पहनता है। कौन पहनता है? शाम। कहाँ ये शाम? अब जरा आप लोग प्लीज मुंह उस तरफ कीजिएगा, मुझे बॉडी का टेम्परेचर लेना। डॉक्टर सालुंके ने तो आज तक हमें इस तरह से कभी नहीं भगाया। टेम्परेचर से तो ये पता चलता है कि इसकी मौत लगभग 2-3 घंटे पहले हुई होगी। 2-3 घंटे पहले? मतलब जब ये बच्चे यहाँ पर आए थे तो लाश यहीं पे थी। अच्छा डॉक्टर तारिका, कुछ पता चला कि इसे जहर कैसे दिया गया होगा? अब ये बात अभी बताना थोड़ा मुश्किल, ये तो मुझे फोरेंसिक में जाके पता चलेगा। हो सकता है खूनी ने कोई जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया हो इसे। आप लोगों को कोई सुई वगैरह मिली है उसे? नहीं, सुई तो नहीं मिली। मगर हाँ, ये टेबल के ऊपर ये चाय का कप मिला है, हो सकता है जहर इसमें। ओह चलो चेक करते हैं। 1 मिनट। थैंक यू। अगर इस कप में जहर है तो हो सकता है खूनी के उंगलियों के निशान भी हो इस कप के ऊपर। घर में पार्टी है, घर के सारे लोग और बिल्डिंग वाले नीचे लॉन में पार्टी मना रहे हैं और ये यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा है। क्यों? हो सकता है खूनी ने प्लान बनाया हो अखिल को यहीं पे मारने का। दो अलग अलग उंगली के निशान हैं इस कप पे। इस कप पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसे अखिल की उंगलियों के निशान से मिला के देखो। हाँ विवेक, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? पूरे बिल्डिंग में कहीं पे भी कुछ भी पता नहीं चला सर। कप के ऊपर उंगलियों के जो दो निशान मिले उसमें से एक निशान अखिल का है और दूसरा हो सकता है कि खूनी का हो। यहाँ पे पार्टी में जितने लोग मौजूद हैं उन सबके उंगलियों के निशान लेते हैं और उस निशान से मिला के देखते हैं। आइए सर, आइए सर। मुझे लगता है बच्चों से कुछ गलती हो गई है। वो कहते हैं ना, बच्चे आखिर बच्चे होते हैं। न जाने क्यों कह रहे हैं कि शाम ने किसी का खून किया है। फिलहाल वो तो पता चली जाएगा कि बच्चे सच बोल रहे हैं या फिर झूठ। जल्दी का जी, आइए। ये देखिए सर, ये लेटा हुआ है आपका खूनी शाम। कुणाल सर, आप यहाँ? क्या बात है सर, पार्टी छोड़ के आप यहाँ पे? और ये लोग आपके साथ कौन है? मनीषा, ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें लगता है कि शाम ने किसी का खून किया है। शाम सर ने खून किया है? ये तो अपनी उंगली तक नहीं हिला सकते हैं। ये किसी का खून कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कौन है? सर, मैं इनकी देखभाल करती हूँ, केयर टेकर हूँ इनकी। इनकी ऐसी हालत कब से? सर 6 महीने हो गए। एक एक्सीडेंट हुआ था इनका, पीठ पर चोट आई थी, स्पाइन टूट गई है। सर इनके हाथ पर सब नाकाम है सर। ये देखिए, ये देखिए सर। अच्छा बच्चों, ये वही बैंड है? हाँ सर, ये वही बैंड है। No chance. अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, तुमने वहां पे इसी आदमी को देखा था? सर बैंड तो यही था, लेकिन हमने चेहरा नहीं देखा। सर हो सकता है कि ऐसा बैंड किसी और आदमी के पास हो जैसा खूनी ने पहना था। ना काजल, हो तो सकता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? अरे कुणाल, बिल्डिंग के सारे लोग इस पार्टी में हैं? हाँ सर। सोच के बताओ, ऐसा कोई आदमी जो पार्टी से गायब है? अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन गायब है और कौन मौजूद है? पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। सो पार्टी में फोटोग्राफर है, उसने सभी लोगों के फोटोग्राफ खींचे होंगे। फोटो देख के पता चल जाएगा कि पार्टी से कौन गायब है। हमें उस आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में बैंड है, वही हमारा टारगेट है। रोते हुए। कौन सी? ये बात। पार्टी में जितने लोग हैं सबसे पूछताछ करते हैं, किसी ने तो देखा होगा इसे। अभिजीत, पता चल जाएगा ये लड़की है कौन। सोनाली, चाय में कुछ मिला? हाँ मिला, दूध और चाय की पत्ती। चाय में दूध और चाय की पत्ती होती है, कॉफी नहीं होती, समझी? गुड मॉर्निंग सालम के साहब। गुड मॉर्निंग सचिन भाई। तुम्हारी लाश तो कुछ नहीं बोल रही, इसकी बॉडी पर तो कहीं भी कोई इंजेक्शन का निशान नहीं। मतलब जहर इंजेक्शन से इसके शरीर में नहीं गया? नहीं सर, चाय से। हो सकता है जहर चाय से गया हो, चाय में जहर नहीं है। सुन लिया काजल, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ तुमसे, फॉरेंसिक में आने के बाद काम का सवाल बाद में पूछा कर, ऐसे ही जवाब मिलता है। सचिन, जो कुछ भी इस आदमी ने खाया पिया वही इसके पेट से निकालकर हमने जांचा और उसमें जहर है। इसका मतलब ये है कि जहर किसी चीज से तो शरीर में गया है पर वो चीज चाय नहीं। वो चीज चाय बिल्कुल नहीं है। फिर जहर था किसमें? भाई ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इस आदमी ने उस वक्त जो कुछ भी खाया पिया वो इसके पेट में जाकर के मिक्स हो गया, उसका एक पल्प बन गया। अब उसमें से किस चीज में जहर था कह नहीं सकते। सर इसने जो कुछ भी खाया होगा या तो घर में खाया होगा या फिर उस पार्टी में, और अगर इसने पार्टी में खाया है तो जहर उस पार्टी में ही होगा। चलिए हाथ रखिए। आप रेडी? चाय के कप पे जो उंगलियों के निशान मिलते पता चला किसके हैं? नहीं सर, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी के भी उंगलियों के निशान मैच नहीं हो रहे। सर एक बात बताइए, यहाँ पर आप में से कोई गायब है? जरा देखिए। हाँ सर, सर अखिल के फैमिली डॉक्टर। अखिल के फैमिली डॉक्टर? बड़ी अजीब बात है, अखिल का फैमिली डॉक्टर पार्टी में से गायब है और वो लड़की जिसे इन बच्चों ने देखा था अखिल के फ्लैट में वो भी गायब है। तो खून इन दोनों में से कोई है सर। एक काम करो दया, उस लड़की का जो फोटो है ना हमारे पास पार्टी का, दिखाओ सबको, देखो कोई पहचान करे क्या। सर ये फोटो देखिए, इसमें इस लड़की को कोई पहचानता है? जी साहब, ये लड़की तो अखिल साहब के साथ बहुत आती जाती थी। अखिल साहब के साथ? हाँ साहब। ये लड़की? ये तो आयशा है सर। आयशा? हमारे अखिल की गर्लफ्रेंड सर। लेकिन आयशा इस फोटो में कैसे सर? क्यों? ये आने वाली नहीं थी यहाँ? सर कल तो मना कर रही थी, बोल रही थी कुछ जरूरी काम है तो मैं पार्टी अटेंड नहीं कर पाऊंगी। आयशा बाहर जाने वाली थी फिर भी पार्टी में आई। दया, इस आयशा के घर जाकर पता लगाना चाहिए और इस डॉक्टर को भी ढूंढो, फैमिली डॉक्टर, देखो कहां गायब हो गया है। सर तो बच्चों तुम लोग अब अपने अपने घर जाओ, अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है? जाओ। सीआईडी को बुला के गलती तो नहीं की? तू पागल है क्या? हमने जो भी किया ना सब अच्छा किया, दूसरे बच्चों को भी यही करना चाहिए और वो खूनी तो जरूर पकड़ जाना चाहिए। हाँ यार वाह, तू तो एकदम बड़े लोग जैसी बात कर रहा है। क्यों? आवाज आई है। कौन सी आवाज यार? ध्यान से सुनो। जूतों की आवाज। ठीक वही आवाज जो उस कमरे से आ रही थी। यार पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यही कहीं है, तुम लोग दोनों जाकर सीआईडी को बुलाओ, मैं इस पर नजर रखता हूँ। जाओ जाओ ना। इतना टाइम लगाओगे सोचने में तो शाम हो जाएगी, जल्दी से याद करके बताओ डॉक्टर यहाँ से बाहर गया था या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं देखा। ऐसे हवा में बात मत करो, याद करके बताओ। नहीं सर, डॉक्टर साहब यहाँ से बाहर गए नहीं। फिर तो सर ये यहीं पे होना चाहिए, इसी बिल्डिंग में। लेकिन सर मैंने बिल्डिंग का एक कोना ठान मारा, कोई फ्लैट भी नहीं था। बिल्डिंग में नहीं है, फ्लैट भी नहीं है, तो फिर क्या कहा? अंकल चलिए, हमने उस आदमी को देखा जो अखिल भैया के कमरे में था, वही जूते की आवाज सुनी। कहाँ पर? वो उधर। चलो देखो। तो ये है वो कोनी। अंकल, अंकल आप? बताओ बच्चों, कहाँ देखा था उस आदमी को? अंकल हमने उसे देखा नहीं था, पर वो यहीं कहीं था। यहीं कहीं था? और यहाँ पर कोई दिखने रहा? और हारव भी तो गायब है। हारव गायब है? हाँ अंकल, हमने उसे यहीं छोड़ा था ताकि वो उस खूनी पे नजर रखे। हारव! 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 आरव, 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 ये कहाँ गया? आरव, आरव, कहीं वो डर के मारे छिपता नहीं गया? अगर छुप भी गया तो हमारी आवाज उनके भाग पाना चाहिए। तब तो जरूर उस खूनी ने उसे कुछ कर दिया होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। बूंदी के लड्डू तो आरव की जेब में भरे हुए थे। आरव की जेब में? हाँ। लड्डू का चूड़ा या तो आरव की जेब से ये गलती से गिरा है, या फिर आरव जानबूझ के गिरा रही है। देखो ये चूड़ा कहाँ कहाँ पे गिरा हुआ है, इसी से पता चलेगा कि आरव कहाँ गया है। ये देखो। बिल्डिंग के बाहर तो वार्डमैन खड़ा है और उस तरफ हम लोग थे, तो आरव यही कहीं पे होगा। हाँ, हो सकता है किसी गाड़ी में छुपा के रखा। एक एक गाड़ी को चेक करो जल्दी। आरव, 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 जा, आरव, तो देखिए में कोई है सर। देखिए में? हाँ सर। आरव, माय गॉड, तो वही डॉक्टर है जो पार्टी में से गायब है। देखा सुना? सब डॉक्टर के अलावा तो और कोई भी नहीं है। चलो। क्या हुआ? किसने किया ऐसा? खूनी कौन है? हाँ बोलिए। डॉक्टर, डॉक्टर तुम मर गया, इसे भी जहर दिया गया है। आयशा प्लीज संभालो अपने आप को। देखो दो खून हुए हैं, और अगर तुम्हें खूनी के बारे में कुछ भी मालूम है तो प्लीज खूनी को पकड़ने में हमारी मदद करो। अगर आपने उसको नहीं पकड़ा तो वो अखिल की मम्मी डैडी को भी नहीं छोड़ेगा। ये तुम्हें कैसे पता? डैडी से पता चला, उन्होंने कहीं बात करते हुए सुना था कि कोई अखिल और उसके माँ बाप को मारने वाला था। अखिल ने और मैंने और डैडी ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि खूनी का पता चल सके। फिर मैं अक्सर अखिल के घर जाया करती थी उसकी गर्लफ्रेंड बनके। फिर पता चला खूनी कौन है? नहीं, पार्टी के एक रात पहले ही पापा ने मुझे कहा था कि तुम पार्टी में नहीं आओगी, मुंह में कुछ भी हो सकता है, तुम दूर ही रहो तो अच्छा है। फिर मुझे अखिल और उसके परिवार की चिंता थी। लेकिन मना करने के बाद ही मैं उस पार्टी में गई चुपके से, लेकिन अखिल को पार्टी में ना देखकर मैं उसके फ्लैट में चली गई। आयशा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हारी, इसलिए रहा नहीं गया तो पूछने चली आई। कुछ पता चला कि नहीं उस आदमी के बारे में? और वो आप लोग की फैमिली के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों मारना चाहता है आप लोगों को? अखिल, अखिल क्या हुआ? अखिल बोलो ना। डैडी, डैडी। ऐसे अचानक क्या हो गया उसे? अरे मुंह से झाग निकल रहा है। ये तो मर चुका है। डैडी, डैडी कुछ करिए ना डैडी, प्लीज डैडी। आयशा ऐसा चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। डैडी आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आयशा, मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा करो? मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। तुम जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। डैडी के कहने के बाद मैं वहाँ से चली गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तुमने बताया कि वहाँ टेबल पे एक प्लेट रखी हुई थी जिसमें खाने की कुछ चीजें थी, मगर हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला। हाँ काजल, ये खाने की प्लेट उस खूनी ने ही हटाई होगी। सो ये है क्या जो दांत में फंसा हुआ? इसके क्या खाया होगा इसने? पता नहीं क्या चीज है, थूक से मिलकर के कुछ पल्प जैसा हो गया है, पता पाना मुश्किल। सोनाली जरा चेक करो ये क्या चीज है और इसमें जहर है क्या? के साहब, ये इसकी मौत भी उसी जहर से हुई है? हाँ सर, ये डॉक्टर और वो अखिल दोनों की मौत एक ही जहर से हुई है। मगर सर जहर किस चीज से दिया गया इन दोनों को, ये अभी तक तो पता ही नहीं चला है। के? हाँ। इसमें तो बहुत सारी चीजें मिली हुई है। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं? आटा है, शुगर है और बादाम भी है। और भी कुछ है? हाँ, चॉकलेट चिप्स भी। कमाल है, इन सारी चीजों से क्या चीज बन सकती है? सर कोई बिस्किट या फिर कुकी? You're right. मतलब बिस्किट या कुकीज में जहर है? सर कुकीज देखी थी मैंने पार्टी में। My God. एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। सुनिए प्लीज, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। यहाँ जो खाने की चीजें रखी है, प्लीज इसमें से कोई कुछ भी नहीं खाएगा। क्यों सर, क्या हुआ? देखिए इन कुकीज में जहर है। जहर? कुकीज में जहर है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं एसीपी साहब? देखिए अखिल और उसके फैमिली डॉक्टर, इन दोनों की मौत ये कुकीज खाने की वजह से ही हुई है। नहीं सर, ये कैसे हो सकता है? जहर कुकीज में हो ही नहीं सकता। सर मैंने भी खाई है कुकीज, और मैंने भी खाई थी सर। अगर इनमें जहर होता तो हम लोग तो अब तक मर चुके होते हैं। हाँ सर, ये कैसे हो सकता है? देखिए हमारे फोरेंसिक डॉक्टर की टेस्ट कभी गलत नहीं होती। गलत है सर, ये सब लोग सही कह रहे हैं। इन सभी ने कुकीज खाई है, कुकीज में जहर नहीं है। ये देखिए। अरे ये क्या किया तुमने? मैंने मना किया था ना खाने के लिए। प्लीज थूक डालो, प्लीज थूको। सर मैं आपको दिखाना चाहता था कि कुकीज में जहर नहीं है। सर मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। कुकीज में जहर नहीं है। कुकीज में जहर है ही नहीं। सभी लोग कह रहे हैं कि कुकीज में जहर नहीं है और सभी ने कुकीज खाई है, तो फिर ये सारू के क्यों कह रहा है कि कुकीज में जहर है? क्या नहीं किया इस एसीपी के लिए मैंने। जब चाह जहां चाह बुलाया मैं गया, बोला इस बिल्डिंग में आ जाओ, मैं लैब लेकर के आ गया, और उसके ऊपर से। हाँ सर, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि एसीपी सर आपसे ऐसी बातें कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं क्या तारिका, उसने ऐसी बात कर दी। परसों की दोस्ती ताक पे उठा के रख दी उसने, ना सोचा ना समझा जो मुंह में बोल दिया। इस एसीपी को तो तंग है। क्या है? नाक कटवा दी तूने मेरी, लोगों के सामने झूठा ठहराया मुझे। मैंने क्या किया है? अरे तुम हर दूसरे दिन लोगों के सामने अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हो और सारा का सारा इल्जाम सालू के पे डाल देते हो। तुम फोरेंसिक सर्जन हो सालू के, समझे तुम? अरे सालू के साहब, छोटी सी बात है और कुछ नहीं है। वो जो आपने बताया था ना कुकीज में जहर है, कुकीज में जहर है, तो मैंने बताया कि कुकीज में जहर है। इस बात पे आसमान सर पे उठाने की क्या जरूरत है? कुकी में जहर है, कुकीज में जहर है। कुकी में जहर नहीं है सालू के, जहर है। कुकीज में जहर नहीं है सालू के, वहाँ सभी लोगों ने कुकीज खाई है और कोई भी नहीं मरा है, समझे? क्या बात कर रहे हो? एक आदमी ने हमारे सामने कुकी खाई है। सर ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो अच्छी तरह से टेस्ट किए थे। तो फिर तुम्हारी टेस्ट गलत थी। लेकिन सर लाश के मुंह में से जो कुकी का टुकड़ा मिला था उसमें जहर था। तो फिर लोग कैसे नहीं मरे, लोग कैसे नहीं मरे बताओ? फिर से टेस्ट करो, फिर से टेस्ट करो। रेडी? क्या चक्कर है? कुकीज खाने के बाद लोगों को कुछ हुआ क्यों नहीं? जहर है सर, इस जहर में जरूर कोई राज है जो शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल वही राज जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं तारिका। चाय रेडी बॉस, अब खूनी को कोई नहीं बचा सकता है एसीपी साहब के हाथों से। मेरे बेटे ने आपको फोन करके अपनी जान मुसीबत में डाल दी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका बेटा बहुत बहादुर, आपको तो नाज होना चाहिए उस पर वो है कहाँ? देखिए कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अभी तक तो आप लोग उसे ढूंढ नहीं सके ना, मुझे तो डर है कि वो आदमी उसके साथ कुछ कर ना दे। सौरभ का कहीं भी पता नहीं चला। मैं सब समझ गया हूँ, देखा मैं जानता था आप लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे अभी तक तो पता नहीं वो आदमी मेरे बच्चे को कहाँ से कहाँ ले गया होगा। खून यहीं पर है। शाहरुख तुम? अभी पता चल जाएगा। देखिए ये वही कुकीज है जो पार्टी में रखी गई थी। हम चाहते हैं कि आप फिर से इसमें से एक-एक कुकी खाएं। लेकिन क्यों सर? हम ये कुकीज पहले खा चुके हैं, दोबारा क्यों सर? प्रतीक जी, खूनी को पकड़ने के लिए हमारी दरख्वास्त है कि आप प्लीज एक-एक कुकी खाइए। हमने कुकीज बदली कर दी थी, इन कुकीज में जहर नहीं था। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने कोई खून नहीं किया है। हाँ क्यों किया खून तुमने? अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये पागल डॉक्टर का विश्वास मत कीजिए। चाय पीने जा रहा था ना तू, चाय पीने जा रहा था ना? वो मतलब आगे नहीं है ना मार डालूंगा। बच्चे को कुछ मत करना। निकल जाओ सब यहाँ से। चलो सब लोग बाहर जाएंगे। मार दूंगा बच्चे को, एक भी आगे मत आना। देख बच्चे को कुछ मत करना, जाते हैं। मार दूंगा बच्चे को, आगे मत आना। मार दूंगा बच्चे को, सच कह रहा हूँ। दो खून किया, अब बच्चे की जान लेगा। तो तूने ही खून किया अखिल का और डॉक्टर का भी? हाँ, हाँ? मैंने ही मारा अखिल और डॉक्टर को। क्यों क्यों मारा तुमने? यहाँ तो सब लोग एक परिवार जैसे रहते हैं ना। बिल्डिंग टूटने वाली है। बिल्डिंग टूटने वाली है इसलिए खून करने निकल पड़ा? हाँ? सभी ने हाँ बोल दी लेकिन अखिल ने मना कर दिया। तो बिल्डर ने मुझे पैसे दिए और कहा कि अगर मैं अखिल को मना लूं तो मुझे और एक फ्लैट देगा। और उसके बाद इसने कुकीज में जहर मिला दिया, ऐसा जहर जिसके बाद चाय पी लो तो जहर का असर नहीं होता है। मैंने सोचा कि मैं अखिल को और उसके माँ बाप को अपने हाथों से कुकी दूंगा और उन्हें चाय भी पीने नहीं दूंगा। फिर पर अचानक मैंने देखा आयशा डॉक्टर को पार्टी में से कहीं तो ले जा रही है। मैंने उनका पीछा किया और देखा। तुम जल्दी यहाँ से निकल जाओ बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इतनी जल्दी भी क्या है डॉक्टर साहब दरवाजा बंद करने की? जी, कोई जल्दी नहीं है। तो मुझे भी अंदर आने दो। ये क्या, तुमने आखिर को खून कर दिया? मैंने खून नहीं किया है, ये खून किसी और ने किया है। और कौन कर सकता है खून? पता नहीं, यहाँ कोई है जो अखिल के पूरे परिवार को मारना चाहता है। इस डॉक्टर को लगता है सब कुछ पता चल गया है। सबसे पहले इसका ही कुछ करना पड़ेगा वरना सारा खेल खत्म हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? हमें जल्द से जल्द पार्टी रोकनी होगी नहीं तो खूनी अखिल के मॉम डैड को भी मार डालेगा। कहानी मत बनाओ डॉक्टर, खून तुमने किया है। तुम्हें क्या लगा हा? तुम बच जाओगे? अब तुम्हारा बचना मुश्किल है डॉक्टर। जिसके हाथ में वो बैंड बंधा हुआ है इसी आदमी ने कुछ किया है उस लड़की को। कौन है? अरे ये तो हमारी तरफ यार है, भागो ना यार। उस लड़की की जान खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। और यार हम क्या करेंगे, हम तो बच्चे हैं ना। एक काम करते हैं सीआईडी को बुलाते हैं। अरे बच्चे सीआईडी को बुला रहे हैं, मैं तो फंस जाऊंगा। इस बैंड का कुछ करना पड़ेगा, कहीं तो फेंकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप ठीक कह रहे थे, हम बाहर पार्टी में खूनी को ढूंढते हैं। मैं काम करता हूँ, आप बाहर रुके, मैं तब तक लाश को ठिकाने लगाता हूँ। हाँ आप बाहर रुके। हाँ पूरे सामान को साफ कर दिया और मेरे हाथ में जो बैंड था वो शाम के हाथ में डाल दिया और फिर मैंने डॉक्टर को जहर खिला के मार दिया। अब जेल में बैठकर जेल की कुकीज खाना, फांसी का ऑर्डर आने तक। ले जाओ इसे। हेलो बच्चों, शाबाश, तुम लोगों ने बहुत बहादुरी का काम किया और ऐसे बहादुरी के काम करते रहना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.